कब्रों से पानी बह रहा है। ये भजपुर शहर का मुस्लिम कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं यहाँ कब्रों के ऊपर से पानी बह रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भजपुर शहर के मुस्लिम कब्रिस्तान की। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कब्रें हैं, कब्रों से ऊपर से पानी बह रहा है, कई कब्रें धस चुकी है। हम आपको आज जनता की बात, ये भजपुर शहर का मुस्लिम कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं बरनपुर अंकलेश्वर महामार्ग पर बिल्कुल ढाली नदी के अनकरीब ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर देख सकते हैं आप वीडियो में कब्रों के ऊपर से पानी बह रहा है, कई कब्रें धस चुकी है। आप देखिए हमारे चैनल के जरिए यहाँ पर मिल्लत नगर से होते हुए पानी जो आ रहा है कब्रिस्तान के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ नगर पालिका प्रशासन और कोई भी यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। कई कब्रें धस चुकी है, यहाँ पर मुस्लिम नौजवान अभी आए हुए हैं और ये जीसीबी वगैरह लेकर यहाँ पर कब्रिस्तान में जो पानी सान पानी आ रहा है इसके निवारण के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कब्रों का हाल और कब्रिस्तान का हाल, देखिए आप किस तरह सान पानी कब्रिस्तान में आ रहा है। यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, यहाँ के भजपुर शहर के मुस्लिम नौजवान पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पानी का निवारण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम जनता की बात के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ का हाल देख रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे न्यूज़ चैनल के जरिए पानी कितनी तेजी से मिल्लत नगर का पानी जो है कब्रिस्तान के अंदर आ रहा है। आप देखिए नगर पालिका प्रशासन और यहाँ के जो कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले लोग हर साल इस तरह इस कब्रिस्तान में पानी आ जाता है, हर साल आ जाता है। देखिए किस तरह कब्रिस्तान में पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब्रिस्तान कमेटी ने भी इसको ध्यान देना चाहिए। देखिए कब्रिस्तान में कहाँ से पानी आ रहा है, आपको मेन जगह बता रहे हैं जहाँ से पानी आ रहा है, और ये वो जगह है जहाँ से मिल्लत नगर का पूरा पानी इस मुस्लिम शहर की पवित्र कब्रिस्तान में आ रहा है। ये सारा मिल्लत नगर से होता हुआ पानी आ रहा है। मेरा क्या बड़ा ऐसा ले, भजपुर शहर के मुस्लिम नौजवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो पानी आ रहा है इसका निकालने के लिए मार्ग निकालने के लिए काम कर रहे हैं। जीसीबी भी आ चुका है,
मुस्लिम नौजवान खड़े हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कब्रों को नुकसान ना पहुंचे और पानी का सही निवारण निकल जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि इनकी ये कोशिश कामयाब होगी। पूरे कब्रिस्तान में पानी फैल रहा है, कब्रें धस रही है, इनकी कोशिश जारी है। कितना पानी बाहर से आ रहा है, ये तो अपना नाली का पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ये तो कब्रों का हाल रखा हुआ है। देखो ये जगह पानी, कितना पानी है इधर, पूरा गांव का मसला है। यहाँ लोग देखो ये पानी, ये कब्रें देखो उधर, ये कब्रों का कितना पानी है। ये प्रशासन इतना ध्यान नहीं दे रहा है। बोलो कुछ। ये फैजपुर का कब्रिस्तान हमारा, हर साल के लिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने जेटी भी अपने तरफ से बुलाया है, यहाँ के मेम्बरों ने थोड़ी मदद की है और ये इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर गटर का इंतज़ाम करें और जिस कब्रिस्तान को ये सार्वजनिक कब्रिस्तान है इसको इसका इंतज़ाम करें। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी पीछे एक बस्ती है मिलत नगर, वहाँ पर का पानी पूरा सरा हुआ पानी कब्रिस्तान की दीवार से बाहर की तरफ आ रहा है और वो कब्रिस्तान की दीवार को तोड़कर इस तरफ घूम गया, जिसकी वजह से सारी कब्रें बैठ गई है। पूरी कब्रें कब्र बैठ गई, देखो सारा कब्रों का पूरी कब्र नीचे बैठ गई पानी के। हमारे नगर पालिका के इंजीनियर साहब फारूकी साहब कब्रिस्तान में जो पानी रहे इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज 19 जुलाई सवेरे से पानी फैजपुर शहर में चालू है। इस हिसाब से मैं जाकर देखा और वो गटार के जरिए पानी निकालने का ऐसा लोगों का कहना था, वो हिसाब से आगे की कार्रवाई नगर परिषद मार्फत करेंगे और लोगों की समस्या दूर करेंगे।